पास ड्रैगर का फैबियस जीएस एनेस्थीसिया मशीन है, और हम आपको उसको टेस्ट लंग पे, मतलब जब हम मशीन को टेस्ट करते हैं कि ये अच्छा है, चल रहा है कि नहीं, लंग्स को वेंटिलेट कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली, तो टेस्टिंग के लिए हम लोग ये टेस्ट लंग यूज़ करते हैं। तो इस पे आपको रख के ये एनेस्थीसिया मशीन का क्या मॉनिटर है, कैसे चलता है, और ब्रीफली आप बताएंगे कि क्या प्रिंसिपल वगैरह है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये मशीन के पीछे आएंगे, तो यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच है, तो ऑन ऑफ स्विच के साथ फ्यूज़ है, तो ये हमको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि प्लग प्रॉपर से लगा होना चाहिए और स्विच जो है ऑन है या नहीं, या प्रॉपरली ऑन है कि नहीं। इसके बाद हम जब सामने आते हैं तब हम देखते हैं कि इसका जो स्क्रीन, अब इसके स्क्रीन में आप देख सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल में ये चल रहा है, तो इसमें जो है यहाँ पर आपको FIOT की वैल्यू मिल जाएगी, और ये जो 100 और 20 है ये आपके अलार्म लिटिल लिमिट से, मतलब आपके कैसा अलार्म चाहते हैं उस हिसाब से सेट हो जाता है। ये फ्रीक्वेंसी मतलब ब्रेथ रेट है, मतलब एक बार में जो है कितनी सांसें आप देना चाहते हैं 1 मिनट में, ये है VT मतलब टाइडल वॉल्यूम, मतलब एक ब्रेथ में यहाँ जो श्वास जो सांस जा रही है यहाँ आ रही है, अमाउंट ऑफ एयर मतलब जितना अमाउंट ऑफ एयर एक ब्रेथ में जा रहा है या आ रहा है उसका कैलकुलेशन यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये है मिनट वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम मतलब कितने अमाउंट ऑफ जो गैस है मीन्स एयर एयर है वो पेशेंट के अंदर गया 1 मिनट में। तो बेसिकली दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइडल वॉल्यूम। सो मिनट वॉल्यूम जो है इन दोनों के कैलकुलेशन से आता है। फिर आता है पीप, पीप मतलब अपने जो लंग्स को है कितना अमाउंट तक उसको एल्विओल्स को खुला रखना है, तो अब कितना प्रेशर सेट करना चाहते हैं, दिस इज अ क्लिनिकल, ये क्लिनिकल मतलब ये रहेगा कि कितना रखना है, जब भी आपको रखना है तो आप उसको जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो दिस इज पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, मतलब जो पॉजिटिव प्रेशर है मतलब हवा ब्लो करने वाला जो प्रेशर है वो कहाँ पे एंड होना चाहिए, ये देख रहे हैं, ये जीरोस का स्केल है, इसके जस्ट ऊपर के एक और एक स्केल में आप देख सकते हैं एक छोटा सा जो ये दिख रहा है आपको येलोइश कलर, तो ये है पीप, तीन का पीप है, मतलब देखो यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है फिर घट रहा है लेकिन इसके नीचे नहीं जा रहा है प्रेशर, तो वो है पीप, मतलब जो पॉजिटिव प्रेशर जो है जहाँ पे एंड करना है उसको पीप कहते हैं। यह है प्लेटो प्रेशर, आप देखिए ये जैसे जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद आपको एक स्मॉल प्लेटो लगेगा, मतलब होता है था जितना भी एयर जो है वो टाइडल वॉल्यूम जो डिलीवर हुआ है, मैक्स प्रेशर डिलीवर होने के बाद लंग्स के अंदर कितना प्रेशर रहता है, तो दैट इज प्लेटो प्रेशर। ये देखिए पूरा डिलीवर होने के बाद ये छोटा सा जो ट्रैवल कर रहे हैं ना, ये है प्लेटो प्रेशर। तो एक्चुअली ये कभी किसी किसी में क्या होता है कि ये जाता है थोड़ा सा पीक लेता है, उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप होता है, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, फिर ये है पीक। अब पीक प्रेशर कितना होना चाहिए तो ये उसका वैल्यू आएगा, इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे तो नाइट्रस एयर और O2 फ्लो मीटर से कैसे कैलकुलेटेड है, मतलब फ्लो मीटर में हमने कैसे सेट किए हैं उसके हिसाब से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे आप देखिए ये एक ट्यूब है और यहाँ पर हम लोग के पास अलग अलग वॉल्व्स हैं, यहाँ नाइट्रस एयर और O2। अब इसको जो खोलता हूँ इसका रिजल्टेंट ये होता है। अब जैसे इसको अप्रोक्स सबको बताता, देखो जैसे मैं ये इसको मूव कर रहा हूँ वैसे ही मूव हो रहा है, जैसे मैं इसको दो रखता हूँ इजी दिखाने के लिए दो, और इसको भी मैंने दो पे ला दिया, तो फाइन एडजस्टमेंट करना पड़ता है, दो में ला के तो दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप ये करीबन 4 के आसपास आ गए हैं। तो ये जो है इसका वैल्यू ये दोनों का रिजल्टेंट है। अब ये चालू हो जाएगा तो सबका फ्लो मिलके जो मैं जो फ्लो बनता है वो यहाँ पर डिपिक्ट होगा, है ना। तो जैसे अगर O2 और एयर का कितना कितना देना है उसके हिसाब से ये सेट होगा। इसके बाद साइड में आ जाते हैं ये जो है एनेस्थेटिक एजेंट्स है, आइसोफ्लोरिन और सिपोफ्लोरिन। तो ये जो वेपराइजर्स है ये वेपराइजर क्या करते हैं कि जो ये जो ड्रग लिखा हुआ है आइसोफ्लोरिन सिपोफ्लोरिन तो इसको वेपराइज करता है। तो ये जो ड्रग्स है ये काफ़ी केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो आप दिख रहे हैं इसको नॉक खोल के इसको अंदर डाल देते हैं, फिर ये जो है जैसा हम लोग को सेट करना है उसके हिसाब से
ये जो है उसको वेपराइज करता है, वेपराइज करता है, टाइडल वॉल्यूम के साथ मिक्स करता है, फिर पेशेंट को डिलीवर होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सर्किट्री, ये है उसका O2 सेंसर, और ये जो लगा हुआ है ये है प्लेटो प्रेशर। आप देखिए ये जैसे जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद आपको एक स्मॉल प्लेटो लगेगा, मतलब होता है था जितना भी एयर जो है वो टाइडल वॉल्यूम जो डिलीवर हुआ है, मैक्स प्रेशर डिलीवर होने के बाद लंग्स के अंदर कितना प्रेशर रहता है, तो दैट इज प्लेटो प्रेशर। ये देखिए पूरा डिलीवर होने के बाद ये छोटा सा जो ट्रैवल कर रहे हैं ना, ये है प्लेटो प्रेशर। तो एक्चुअली ये कभी किसी किसी में क्या होता है कि ये जाता है थोड़ा सा पीक लेता है, उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप होता है, उसके बाद फिर एक्सेलेरेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारा फ्लो सेंसर लगा रहता है, ये देखिए आप कैसे कैप ऊपर और नीचे जा रहा है, तो यहाँ से इसको फ्लो सेंसर मिलता है। तो ये जो है हमारा ये एक्सपिरेटरी एंड है और ये इंस्पिरेटरी एंड है, और ये जो है ये टेस्ट पोर्ट है, मतलब जब टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है। अभी हम लोग टेस्ट लंग पे मतलब टेस्ट बैग पे इस्तेमाल करेंगे इसको। देखो पीप हमने रखा है इसलिए ये जो बैग है ये पूरा एकदम डिफ्लेट नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर रहता ही है। तो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है गैसेस, गैसेस आए, रिजल्टेंट गैसेस अंदर गए, क्या पैरामीटर सेट करना है वो पैरामीटर सेट किए, फिर उसके बाद जो एनर्जेटिक गैसेस है गैसेस का वैल्यू सेट किए, तो वो गैसेस जो है इससे मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद पेशेंट को यहाँ से डिलीवर होगा। ठीक है, इसमें एक और एक खासियत है, दूसरे वेंटिलेटर्स में क्या होता है कि जो एक्सपिरेटरी गैस है, जो हवा निकल चुका है वो एनवायरनमेंट में चला जाता है, बट क्योंकि इसमें जो एनर्जेटिक गैस लगा हुआ है इसको हम लोग एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में एक सोडा लाइम का जार दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से जो एक्सपिरेटरी गैस है ये फ्लो होता है, तो उससे क्या होता है जो भी आपका एनर्जेटिक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके होने के बाद जो फिल्टर्ड एयर है वो वाला एयर आगे पास होता है AGSS सिस्टम में। ये आपको जस्ट दिखा रहा हूँ AGSS का बोर्ड। तो क्या होता है जैसे हम लोग O2 एयर ऐसा, जैसे वैक्यूम हो गया, एयर हो गया, ऐसा पोर्ट रहता है बेंडेड में, तो ऐसा AGSS का पोर्ट रहता है। तो यहाँ पर जो है एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया मशीन का एक पाइप रहता है लगा हुआ यहाँ पर, तो जितना भी एनेस्थीसिया का गैस है, AGSS मींस एनेस्थेटिक गैस स्कैवेंजिंग सिस्टम, स्कैवेंजर्स जैसे मतलब जैसे जो डेफिनेशन है मुर्दाखोर, जो बचा कुचा है उसको लेके, जैसे वल्चर्स हैं वो कैसे कोई अगर सड़ा हुआ मांस है उसको खा के लेके जाता है, तो उसी संदर्भ में स्कैवेंजिंग मतलब जो भी चीज है, जो भी बच गया है गैसेस में, हो सकता है कुछ फिल्टर होने के बाद भी कुछ बचा होगा, तो इसको लेके एनवायरमेंट में आउट कर देगा।